6 हमारा, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वाज द फेस ऑफ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव, तो कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी? तो इसका जो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड 5 ईयर प्लान में ऐसा हुआ था। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो मिड डे मील स्कीम जो लॉन्च हुई थी, साल कौन सा था वो और कौन सा डेट थी? तो इसमें जो हमारा सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 15 अगस्त 1995। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम इन इंडिया? तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, द कंप्यूटरल जर्नल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको हम सीबी बोलते हैं, वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, उसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, कौन सा साल था वो? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिस्ट्री एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एज एन इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री कैम एग्जिस्टेंस। तो ये इस मिनिस्ट्री को कब बनाया गया था, मिनिस्ट्री एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 15, 1999। तो एसिड डिपोजिशन की वजह से क्या होता है? तो एसिड डिपोजिशन की वजह से होता क्या है कि ऑप्शन बी हमारा कि लेक और फॉरेस्ट की डेथ हो जाती है। तो चलिए जानते हैं होता कैसे। तो ये कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन है, आप हल्का सा पॉज करके अगर आप इंडस्ट्री जर्नल से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ आपको कि मेलानोर्निया एक स्किन कैंसर है, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, मतलब इसके होने के मेन रीज़न क्या है? तो मेन रीज़न इसका ऑप्शन नंबर बी है कि एजोन की अगर डिप्लेशन होएगी तो ये होने के ज़्यादा चांसेस है। ये किस किस को होता है, किसको जल्दी होता है और कौन सी स्किन को, किस कलर के लोगों को होता है ज़्यादा, कौन इसके रिस्क में है, ये आप इस लाइन से पढ़ के जान सकते हैं। व्हेन ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज आर बर्नड तो दे किल मैनी फॉरेस्ट एंड लेक्स बाय, तो किससे किल करता है ये? तो इसे हम लोग बोलते हैं एसिड रेन की वजह से। अगर आपको एसिड रेन के बारे में कुछ जानना है तो आप इसको पढ़ करके, चंद लाइन से इनको पढ़ के जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि सॉइल पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? सॉइल पोल्यूशन का आपने सुना होगा बार बार, सॉइल पोल्यूशन के होने के क्या कारण है? तो इसका जो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, एसिड रेन की वजह से होता है। तो एसिड रेन क्या है पढ़ सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, ये किसको बोला जाता है? ठीक है जी, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि थर्मल अडेप्टेशन शोन बाय एनिमल्स, तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइबरनेशन। अगर आप जानने की इच्छा रखते हैं तो ये चंद लाइनें उसके ऊपर। अगला क्वेश्चन है, फॉग जो कि मोस्ट ऑफन फॉर्म करती है एज अ वार्म एयर फॉल्स इनटू द कोल्ड लेयर ऑफ द सरफेस एयर इज कॉल्ड, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उसे एवेपोरेशन फॉग कहते हैं। ये होता कैसे प्रोसेस, तो ये प्रोसेस की जानकारी यहाँ दी गई है। आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फाइन ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड इन एयर इज कॉल्ड, जब उन्हें वो सस्पेंड हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, निकल जाते हैं वहाँ से तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बोलते हैं एरोजल बोलते हैं उन्हें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी एफ सी एस बहुत बार आपने इसका जिक्र सुना होगा, ये आर यूज है, इसे हम लोग ऐसे क्या यूज़ कर सकते हैं इसे? तो इसे ऑल ऑफ द अबव, इन सारी चीज़ों में इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं इनके बारे में जिक्र कर रहा है। अगला वाला क्वेश्चन हमारा कि रामसर कन्वेंशन रेफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ, रामसर कन्वेंशन बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, तो ये पूछ रहा है कि किस चीज़ से रेफर करता है, ये डेजर्ट से, वेटलैंड से, एग्रीकल्चर लैंड से या फॉरेस्ट लैंड से? तो इसका जो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, वेटलैंड से। तो रामसर कन्वेंशन का जो रिलेशन है वो वेटलैंड से। चलिए थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में, रामसर कन्वेंशन जो है वो वेटलैंड्स के ऊपर है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है इसकी, स्पेशली जो वाटर फ्लो हैबिटेट के लिए। ठीक है जी, ओके, तो इट इज़ नेम्ड आफ्टर, ये एक सिटी है रामसर की ईरान में, उसके नाम पे इसको दिया गया था और इसकी कन्वेंशन साइन हुई थी 1971 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि अर्थ का एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग लेयर्स में बेस्ड ऑन द वर्टिकल प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है जी, तो किसकी प्रोफाइल, वो किन किन चीज़ों के बेसिस पे? तो हम उसे एयर के टेम्परेचर पे। ठीक है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसे हमने अलग अलग लेयर्स के ऊपर डिवाइड कर रखा है, तो वो एयर के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने ये सुना ही होगा कि वो स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, तो इन सब चीज़ों की बात कर रहा है वो। तो एक्चुअली हम इसको हवा की कितनी, उसकी टेम्परेचर कितना, उसी के हिसाब से हम इसे डिवाइड करते हैं।